कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे समेत क्षेत्र में ईद का पावन त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां मुस्लिम भाइयों ने बाबा मानशाह वली के चौक से शहर काजी इकरामुद्दीन अंसारी को मुकुल मालाओं और साफे से स्वागत कर विशाल जुलूस निकाला, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ प्राचीन ईदगाह स्थल पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये पयाम। हे अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये पयाम, ये ईद का त्योहार है। यहाँ गौंड मंडी स्थित प्राचीन ईदगाह स्थल पर शहर काजी इकरामुद्दीन द्वारा ईद की नमाज अदा करवाई गई, जहाँ हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने ईद की विशेष नमाज अदा की और खुदा की बारगाह में शीश झुकाते हुए क्षेत्र के साथ मुल्क में अमन चैन, प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द की दुआ की। इस मौके पर खुदा से क्षेत्र में शांति और सौहार्द की कामना भी की गई। त्योहार है खुशियों का है त्योहार, ये ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक मुबारक ईद मुबारक। नमाज के बाद यहां सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर एसडीएम तारामती वैष्णव, तहसीलदार जगमोहन शर्मा, थाना प्रभारी मनोज सिंह सेकरवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी नमाजियों को और मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी। मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।